हे गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आप लोगों को तो पता ही है, आपका वाइफ फ्रॉड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता है एंड मैंने कई तरीके का फ्रॉड के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। लेकिन गाइस, जिस फ्रॉड के बारे में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, प्लीज इस चीज को लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि गाइस, अब SBI फ्रॉड लोगों ने लोगों के साथ फ्रॉड करने का एक नया तरीका निकाल लिया है। और गाइस, ये फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है अगर आपका SBI में अकाउंट है तो। सो गाइस, दरअसल क्या होता है, एक SBI ग्राहक को एक कॉल आता है एंड उनको बोला जाता है कि मैं SBI से बोल रहा हूं एंड आपके अकाउंट में से फ्रॉड ट्रांसफर हो रहा है, क्या ये आप कर रहे हो। इतना सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है एंड तुरंत अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं। सो जैसे वो बैंक बैलेंस चेक करते हैं, उनका बैलेंस पूरा खाली दिखाता है। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं होता, ये फ्रॉड लोगों का एक चाल होता है। उसके बाद वो बहुत ही घबरा जाता है एंड फ्रॉड जो भी बता रहा है वो उन्हें लगता है कि वो सब कुछ सच है एंड उस फ्रॉड को वो विश्वास कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है गाइस, वो फ्रॉड बताता है कि आपका जो पैसा फ्रॉड हुआ है, अगर आप वो पैसा वापस चाहते हो तो आपको OTP बताना पड़ेगा। सो OTP बता देते हैं क्योंकि उनका अकाउंट में तो पैसा बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है, खाली दिखा रहा है। इसी वजह से वो OTP बता देते हैं। उसके बाद ही उनके अकाउंट में से पैसा पूरा खाली हो जाता है। अब ये कैसे होता है, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताता हूं। पहले मैं आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूं कि कैसे उस फ्रॉड ने भाई को कॉल करके OTP लिया एंड कैसे बैंक अकाउंट में से पैसे को ट्रांसफर किया। पहले आप लोग ये रिकॉर्ड सुन लीजिए। एंड गाइस, एक्चुअली ये जो रिकॉर्ड है ये मुझे अभिषेक भाई ने दिया, जिनका एक यूट्यूब चैनल है। मैंने उनके साथ रिक्वेस्ट किया कि ये रिकॉर्ड जो है मुझे शेयर कीजिए, ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर को भी इस फ्रॉड के बारे में बता पाऊं। गाइस, आप लोग एक बार रिकॉर्ड पूरा सुन लीजिए एंड उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि आखिर ये फ्रॉड कैसे होता है। गाइस, चाहे कुछ भी हो, प्लीज एक बार इस रिकॉर्ड को पूरा सुनना, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर, क्या मेरी बात प्रेम देवी जी से हो सकती है, मिसेस प्रेम देवी? अभी नहीं हो सकती सर, ये स्टेट बैंक से कंफर्मेशन कॉल है। उनके अकाउंट से सर आज की डेट में 15,500 रूपये दूसरे के अमाउंट डेबिट हुई है, जिसके रिगार्डिंग उनको कन्फर्मेशन कॉल है SBI से कि वो ट्रांजेक्शन उन्होंने किया है। आप कौन बोल रहे हैं? मिसेस मनोज यादव जी? जी हाँ, मैं उनका बेटा हूँ। मनोज यादव आपके कौन है, फादर है? नहीं, प्रेम देवी मेरी मम्मी जी है। प्रेम देवी मेरी मम्मी दे... जी हाँ। और मनोज यादव आपका नाम है? जी हाँ। तो आपके मम्मी के अकाउंट से 15,500 रूपये के एक बड़ा अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसके रिगार्डिंग एक कन्फर्मेशन कॉल है SBI से कि ये ट्रांजेक्शन आप ही ने किया है। नहीं अभी मैंने तो किया नहीं। आपका जो अकाउंट नंबर लास्ट में है 2240, सिकोहाबाद का आपका जो ब्रांच है, उस ब्रांच से आपके अमाउंट कटिए सर। अपने अकाउंट को चेक कर लीजिए कि आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हुई कि नहीं सर। ओके, अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ जी हेलो सर। जी सर, ये 15,500 रूपये मेरे अकाउंट से मतलब कटे क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही। ये ऑनलाइन के माध्यम से दूसरे के खाते में पैसे गए हैं सर। तो ऑनलाइन खाते मेरे पास उनका मतलब अकाउंट है, लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं है सर कुछ अभी। आराम से बात कीजिए, आराम से बात की सर। जी सर, मतलब मैंने कुछ नहीं किया अभी ऐसा कुछ, लेकिन ये कटे कैसे हैं सर अभी? सर ये दूसरे के खाते में पैसे गए हैं 15,500 रूपये, ये ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया है? नहीं सर, ये मैंने नहीं किया बिल्कुल भी। सर तो अगर यहाँ से ये ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया है तो यहाँ से मैं सर ट्रांजेक्शन को कैंसिल करके आपके अकाउंट में अमाउंट को रिफंड कर दिया जाएगा सर, आप टेंशन मत लीजिए ज्यादा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि उसके लिए सर देखिए, जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं उनके अकाउंट से अभी आपके अकाउंट में सर अमाउंट को रिफंड किया जा रहा है। okay. आप सर चेक कीजिए, अभी आपके फोन में सर कुछ मैसेज मिला देखिए तो SBI से कंप्लेंट लेने का, आपके फोन में 8 डिजिट का कोई कंप्लेंट नंबर मिला अभी SBI तुरंत? टोटल आपके 2 मैसेज जाएंगे सर, आपके अकाउंट में 15,500 रूपये आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। फिर आपके अकाउंट में टोटल अमाउंट जाएगी 16,302 रूपये सर। ओके सर, जो भी ये आया अभी मैसेज आया अभी, बोलिए। नहीं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये अमाउंट कटा क्यों है? ये आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं, ये ऑनलाइन के माध्यम से पैसे गए हैं,
कटे नहीं आपके अकाउंट से, ये फ्रॉड हुआ आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड, ठीक है। ओके लेकिन सर मेरा पिन गिनती मतलब किसी को पता ही नहीं है। नहीं पता है सर, वो भी तो मैं जान रहा हूँ, आपका पिन भी किसी को पता नहीं है, आपका कार्ड का नंबर किसी को पता नहीं, अपने आपके अकाउंट के बारे में किसी को पता नहीं है, फिर भी आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हुई है, यहाँ से सर आप क्या करना चाहते हैं बोलिए। सर मैं मतलब इसको बिल्कुल बंद करना चाहता हूँ, मतलब मेरे पास में यहाँ से वापस चाहिए। देखिए अभी जो मैंने आपको मैसेज किया है, जिनके खाते में पैसे गए ना, उनका भी लास्ट का अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और आपका भी अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आपके अकाउंट में भी मैं अमाउंट को रिफंड कर रहा हूँ, तो आपका दो मैसेज जाएगा, पहले मैं आपका कंप्लेन लूंगा, दूसरा जो मैसेज जाएगा वो 15,500 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज जाएगा। ओके सर, ओके सर, ओके। अभी आपके खाते में 15,500 रुपए वापस आ जाएंगे। देखिए अभी जो आपको SBI से मैसेज मिला है, मैसेज में देखिए आपका 8 डिजिट का एक कंप्लेन नंबर, वो कंप्लेन नंबर बोलिए सर, मैं लाइन में बोलिए सर, कंप्लेन नंबर 2508-5657। देखिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, नंबर को आप नोट कर लीजिए। हेलो एक मिनट सर, आपने जो भी नंबर बोला वो नंबर आपने क्या बोला सर? 2508-5657। ठीक है, मैं आपको एक कंप्लेन नंबर दे रहा हूँ, कंप्लेन नंबर को नोट कर लीजिए। तो जी सर बोलिए। देखिए 4930 6142-30 6142-30 ओके सर, अभी नंबर क्या लिखा सर? 4930-6142-30 4930-6142-30 जी सर। अप्लाई में रहती, यहाँ से मैं आपके अकाउंट में अमाउंट को क्रेडिट कर दे रहा हूँ, आपके अकाउंट में 15,500 रुपए सर आपके अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। ओके सर, आप फोल्ड की जगह एक मिनट, आपके अकाउंट में अभी 15,500 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा हूँ। देखिए सर आपके फोन में अभी मैंने स्टेट बैंक से मैसेज किया है आपके अकाउंट में अमाउंट को रिफंड करने का। देखिए आपको दूसरा कुछ कंप्लेन नंबर मिला अभी तुरंत, देखिए तो दूसरा कोई मैसेज मिला अभी, ये आपके अकाउंट में 15,500 रुपए क्रेडिट कर रहा हूँ सर। ओके जी सर, बोलिए कंप्लेन नंबर को बोलिए 8 अंक। अभी नहीं आया सर, अभी मैसेज मैंने कर दिया सर, चेक कीजिए ठीक से, मिला मैसेज या मैं फिर से भेजू सर? हेलो ये सर अभी नहीं आया मैसेज, मिला या नहीं मिला? नहीं सर मैसेज अभी नहीं आया जी सर। देखिए मैंने अभी आगे मैसेज बोलिए बोलिए सर जी सर, आगे मैसेज बोलिए बोलिए 8 अंक का नंबर को बोलिए, आपके अकाउंट में 15,500 रुपए सर मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक सर, ठीक बोलिए नंबर को बोलिए 4535-83-06 लाइन में रुकिए, मैं सर चेक कर रहा हूँ, ठीक है सर। ठीक सर, यहाँ से आपके अकाउंट में यहाँ से मैंने अमाउंट को क्रेडिट कर दिया है, एक मिनट सर आप होल्ड कीजिए। और आपका जो अकाउंट है इसका आपने किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर किए थे का? नहीं सर। हेलो, मैंने अपने अकाउंट का किसी को कोई इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया था? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया मैंने सर। ठीक है सर, लाइन में रुकिए अपना। हेलो जी सर, यहाँ से मैंने क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में, 10 से 15 मिनट के अंदर में आपके अकाउंट में अमाउंट अभी शो करेगी सर, ठीक है। लेकिन सर आप कहाँ से बोल रहे हैं सर जी? सर ये हेड ब्रांच मुंबई से कंफर्मेशन कॉल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड ब्रांच मुंबई से। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। सो चलिए गाइस, अभी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में समझाता हूँ कि ये पूरा आगे फ्रॉड हुआ कैसे। सो गाइस, सबसे पहले तो इस फ्रॉड को विश्वास करने का कई सारे रीजन है, क्योंकि गाइस ये फ्रॉड जब भी किसी को कॉल करता है उसके उस फ्रॉड के पास पूरा डिटेल्स पड़ा हुआ होता है जिसको भी ये कॉल कर रहा है। सो पहले ये क्या करता है, वेरीफाई कर लेता है ये नाम आपका है, ये अकाउंट नंबर आपका है, एंड क्या यहाँ पर ब्रांच आपका है बोल के इस तरीके से वेरीफाई कर लेता है, एंड उसके बाद ही बताता है कि आपके अकाउंट में से फ्रॉड ट्रांसफर हो रहा है। सो इतना सुनने के बाद तो कोई भी व्यक्ति ऑब्वियसली विश्वास कर ही लेगा,
एंड गाइस ये जो फ्रॉड है ये सारे फ्रॉड SBI योनो एप्स की मदद से होता है। SBI योनो ऐप पर आपको पता होगा दो तरीके का आप यूज कर सकते हो, एक UPI की मदद से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो एंड एक हो गया मोबाइल बैंकिंग। अब ये UPI से तो फ्रॉड नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए सिम का जरूरत पड़ता है। सो उसने क्या किया, उस व्यक्ति का एक मोबाइल बैंकिंग बना लिया। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बिना OTP का कैसे मोबाइल बैंकिंग बन सकता है। गाइस इसके बारे में मैंने कई सारे रिसर्च किया है एंड मैंने अभिषेक भाई के साथ भी बात किया जिनका एक यूट्यूब चैनल है साइबर हेल्पर, एंड मैंने साइबर सुरक्षा का एक यूट्यूब चैनल है उनके साथ भी मैंने बात किया एंड मैंने कई सारे गूगल पे रिसर्च किया। बिना OTP का भी एक मोबाइल बैंकिंग बन जाता है SBI योनो ऐप पर, जो कि ये बहुत ही खराब है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। सो उस फ्रॉड ने क्या किया, एक मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर कर लिया। अब वो फ्रॉड मोबाइल बैंकिंग जब इसने रजिस्टर कर लिया तो अभी आप लोग ये सोचे होंगे कि ये डायरेक्ट पैसे को ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन अगर वो डायरेक्ट पैसे को ट्रांसफर करता तो उसको OTP का जरूरत पड़ता। अब वो बंदा, वो फ्रॉड डायरेक्ट उस बंदे को कॉल करके OTP तो नहीं मांग सकता क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी नहीं देगा। सो इस तरीके से इसने चाल पूरा रचा है। सो क्या किया उस फ्रॉड ने, क्या किया, पहले भाई के अकाउंट में जो भी पैसा था उस पैसे को उसने डाल दिया फिक्स डिपॉजिट पे, ठीक है। सो फिक्स डिपॉजिट पे डालने के बाद भाई को एक मैसेज आया एंड उसके बाद उस फ्रॉड ने तुरंत उस भाई को कॉल किया एंड बताया कि आपके अकाउंट में से फ्रॉड ट्रांसफर हो रहा है, क्या ये आप कर रहे हो। सो इतना सुनने के बाद वो पूरा घबरा जाते हैं एंड अपना बैलेंस चेक करते हैं। सो जैसे ही बैलेंस चेक करते हैं उनके अकाउंट पूरा खाली दिखाता है। उसके बाद क्या होता है, वो फ्रॉड क्या करता है, OTP मांगता है, राइट। उसके बाद वो OTP किस चीज का होता है, जब उस फ्रॉड ने फिक्स डिपॉजिट डाला हुआ था उसको कैंसिल करता है। सो फिक्स डिपॉजिट को कैंसिल करते समय आपको एक OTP देना पड़ता है, लेकिन जब आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट पे डाल रहे होते हो तब आपको OTP देने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप कैंसिल कर रहे होते हो तब आपको OTP चाहिए। तो ये फ्रॉड क्या करता है, वहां से कैंसिल करता है एंड इस व्यक्ति को कॉल करता है कि फ्रॉड ट्रांसफर हो रहा है। इसके बाद वो कैंसिल कर देता है एंड उस व्यक्ति को एक OTP जाता है एंड वो OTP वो फ्रॉड मांग लेता है। उसके बाद उस OTP की मदद से वो फिक्स डिपॉजिट को कैंसिल कर देता है, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, जो उनके खाते में से पैसा कटा हुआ था। उसके बाद उनके पास फिर से एक OTP आता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते, वो फोन में बात कर रहे होते हैं और फोन में बात करते करते वो फ्रॉड OTP मांगता है एंड फिर से वो OTP दे देते हैं जो उनको नहीं देना चाहिए था, सेकंड वाला OTP। जब वो सेकंड वाला OTP दे देते हैं वो क्या होता है, वो ट्रांसफर का एक OTP होता है। जब वो मोबाइल बैंकिंग से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर रहा होता है उस समय आपको OTP देना पड़ता है, राइट। सो उसी का वो OTP होता है एंड उस OTP की मदद से वो पैसे को फिर से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। सो उसके बाद ही इनको फिर से मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में फिर से इतना पैसा कट गया है। उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो सब एक फ्रॉड का चाल था, एक चाल रच के उसने पूरा फ्रॉड कर लिया बंदे के साथ। सो आप लोग देख सकते हो इतना इतना खतरनाक तरीके से इस फ्रॉड ने फ्रॉड किया है भाई के साथ। सो गाइस मैं नहीं चाहता कि ऐसा फ्रॉड किसी के साथ भी हो। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर लोगों के साथ शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट्स आप अपना मर्जी से कर सकते हो, लेकिन गाइस वीडियो को शेयर कर देना एंड प्लीज हो सके तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरीके का फ्रॉड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।